इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रुटैलिटी एंड क्रुएलिटी। एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। मैं पूछती हूँ, रेवन्ना पे फिल्म क्यों नहीं बनती? ब्रिजभूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती? बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती? डाउरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती उस पे फिल्म क्यों नहीं बनती? बॉलीवुड वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगी। देखिए, सेंसर बोर्ड को एक सेंसर की जरूरत है। ये हालत है, इंडियन इंस्टीट्यूशन पूरे पूरे के पूरे पापा के लिए काम कर रहे हैं। सब पापा मोदी, मोदी पापा उनके, हर कोई मोदी 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 कर रहा, और मोदी यानी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, भाषा सुनिए, जो जबान सुनिए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत माता की। इन्होंने जो भारत माता की जय हम जो लगाते हैं, इन्होंने जो लगाते हैं, भारत माता की बेइज्जती हो रही है। नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी ये कहते हैं मुजरा करो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ 4 जून को नरेंद्र मोदी का मुजरा हम देखेंगे और जरूर देखेंगे, आप सब लोग देखेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल, NK नीट इंस्टीट्यूट एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल। 2023 की एक रिपोर्ट जिसमें कि ये बताया गया कि एक साल में 32,000 से ज्यादा रेप, एक दिन में 9 से ज्यादा रेप, ये वो डेटा है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है, और अनरजिस्टर्ड डेटा तो हमें पता नहीं। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रुटैलिटी एंड क्रुएलिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में, दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर 4 बर्तन न लाए, 1 स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती है और ऐसा वायलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर्स, वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती है उन तक को नहीं छोड़ा जाता, वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती है, मेडल वापस करती है। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को यह बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को यह कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है, ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयते कोट कर रहे हो, तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज होने से, क्योंकि पिछले 10 साल से एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। उसी पावर का नतीजा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपना हेट और अपना एजेंडा जो है वो इस तरीके से फैला रहे हैं। और एक चीज शर्म की बात यह है कि सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड के पास आज एजेंडा नहीं रह गया किसी कम्युनिटी को मतलब कहते हैं झूठ बोलकर या किसी कम्युनिटी पर इल्जाम लगाकर आज आप पैसा कमाओगे, आप इतने बेईमान हो गए हो। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर तो ये जुबान किसी की खुलनी नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम औरतों को ये बता दे कि मुस्लिम औरतें सप्रेस्ड है। दुनिया देखा जाता है कि मुसलमानों को ही फिल्मों में आतंकवादी बताया जाता है, ये एक एजेंडा है जी जी। पर आज तक एक्शन क्यों नहीं है? मैं बता रही हूँ क्योंकि हम सबसे बड़े पीसफुल, ठीक है, हम रिएक्शन नहीं शो करते, हम कहीं निकल के शोर नहीं मचाते, हमारी आदाब इसको कहिए, एक्चुअली पीसफुल होना हमारी एक खूबी है, हमारा इस्लाम पीस को पसंद करता है, हमारी एक ताकत है ये पीसफुल रहना, वो आज हमारी कमजोरी बन गई है। ऐसा लगने लगा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कि अगर मुसलमान निकल के चीखता नहीं है तो आप हमारे ऊपर कुछ भी बनाएंगे, आप हमारा कोई भी नाम रख देंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम चुप थे तो अब हम चुप नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार है। जोरों शोरों से प्रमोट किया था, कई थिएटरों में जाना फ्री में फिल्म दिखाई गई, तो क्या इस फिल्म को भी इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है? मैं पूछती हूँ, रेवन्ना पे फिल्म क्यों नहीं बनती? ब्रिजभूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती? बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती? डाउरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती उस पे फिल्म क्यों नहीं बनती? बॉलीवुड वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगी। मैम अगर ये फिल्म बैन नहीं होती तो हम बराबर एहतजाज करेंगे। अब हम एहतजाज पे एक्चुअली उतर आए क्योंकि नाउ इट्स इनफ एंड इनफ। सर
सर, जो डीसी ऑफिस में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है एसडीपीआई की तरफ से, जो फिल्म आ रही है हमारे बारा, तो क्या उस फिल्म में बताया जा रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से? क्योंकि काफ़ी लोग उसमें बता रहे हैं कि जो कुरान की आयतें हैं उनको जो है ना तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है, लगातार बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम की आइडेंटिटी को, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये पहली फिल्म नहीं है। ये जो हमारे बारा जो फिल्म है, इसका लिमिट एक्सीड हुआ है, मतलब लिमिट के बाहर इन्होंने मूवी बनाई है। तो जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बारा के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, तो तुम भी बनाओ उनके 16,000। देखिए, आप एहतजाज से हम लोग, या फिर मेमोरेंडम से हम, उनको बायकॉट से हम कुछ हद तक चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा अगर चीज़ें बढ़ जाती है तो आप भी उनकी हिस्ट्री खोल कर बताना है कि उनके 16,000 बताना है। वो भी बताना है कि एक वक्त पे ऐसा था कि औरतों को, दलित औरतों के सनों को काटा जाता था, वो भी हमें बताना है मूवीज के जरिए से। हमें वो भी बताना है कि दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, और हमें वो भी बताना है कि किस तरीके से इन्होंने जजिया लेते थे लोगों के पास से, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल करते थे, क्या मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए, ये तमाम चीजें बनना चाहिए। भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ था, इसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए, और मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है उस पर भी मूवी बनना चाहिए। अगर हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम अगर सिर्फ एहतजाज तक महदूद रह जाएंगे, हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें जरूरी है कि सामने वाला जिस तरीके से, जिस गोली से हम पर अटैक कर रहा है, उसी गोली से उसको जवाब देना जरूरी है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है, और मूवीज को इस तरीके से बताना है इंडिया का कल्चर क्या है, आजादी से पहले किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, कैसे रामलीला देखने के लिए मुसलमान भी जाते थे, ये कैसे ईद की सिवैयां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ईद की सिवैयां भी खाए हैं, ईद की बिरयानी भी खाए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। कभी माइक के सामने आकर एक बात करते हैं और दूसरे जगह एक बात करते हैं, और पापा को खुश करने के लिए ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं। ये ऐसा एक घटिया, एक पागलपन नजर आ रहा है, और कुछ भी नहीं है। हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना है, हमें एहतजाज भी करना है, या फायर भी करना है, और इसके खिलाफ में हमारा खुद का एक विजुअलाइजेशन इंडस्ट्री में हमारा भी काम होना। सर, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, वो लगातार देखा जा रहा है कि उसमें हर फिल्म में जो है ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो सेंसर बोर्ड का जो काम होता है कि किसी भी अगर धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो उस फिल्मों को जो है ना पाबंदी लगाई जाती है या उन चीज़ों को कट किया जाता है, मगर हाल ही में 2-3 साल में देखा गया है कि लगातार मुसलमानों के ऊपर ही फिल्म बन रही है, तो सेंसर बोर्ड का जो काम है, सेंसर बोर्ड सही तरीके से नहीं कह रहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड को एक सेंसर की ज़रूरत है, ये हालत है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस पूरे पूरे के पूरे पापा के लिए काम कर रहे हैं, सब पापा, मोदी पापा उनके, हर कोई मोदी 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 कर रहा, और मोदी यानी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, भाषा सुनिए, जो जबान सुनिए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत माता की। इन्हों जो भारत माता की जय हम जो लगाते हैं, इन्होंने जो लगाते हैं, भारत माता की बेइज्जती हो रही है। नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी ये कहते हैं मुजरा करो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ 4 जून को नरेंद्र मोदी का मुजरा हम देखेंगे, और जरूर देखेंगे, आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। इस फिल्म को बैन नहीं किया जाता है कर्नाटक हो या हिंदुस्तान भर में, उसके एसडीपीआई की तरफ से क्या एक्शन लेगा? नहीं, हम लोग एहतजाज करेंगे, थिएटरों में ये मूवी आने नहीं देंगे। हम कांग्रेस सरकार से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोहतरमा कनीस फातिमा, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने से नहीं चलेगा। आपको चाहिए, मैं मोहतरमा कनीस फातिमा जी को कहना चाहता हूँ, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लेटर पे आप सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखना है, लेटर लिखकर आप डिमांड करना है। उन्हें बैन करते नहीं करते वो सेकेंडरी, हम उनको फिर इलेक्शन में देख लेते हैं, जैसा इससे पहले हराए थे इस बार भी हराते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार अपने एमएलए के लेटर पे लिखना है, सीएम को लिखकर ये कहना है कि इस मूवी को बैन किया जाए, और पूरी आवाम को बताना है उन्होंने कि मैंने ये लेटर लिखी थी बोलकर,
और प्रियंक खड़गे जी सिर्फ खाली मुसलमानों को साथ में लेकर फिरे तो नहीं चलता, मुसलमानों के वास्ते काम भी करना पड़ता आपको, और आपको चाहिए आप भी इसके लिए प्रेशर डालें और किसी भी हालत में इस मूवी को हम आने नहीं देंगे। और ये अगर मूवी 7 जून को रिलीज होती है तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे, जब कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे लिए क्या भी नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School.